हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा फूरियर और साइन ट्रांसफॉर्म पर। तो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन। फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर एंड साइन फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन and hence obtain it and hence obtain the transform of 1 upon under root x. It means you have to obtain Fourier sine and cosine transform of x to power n minus 1 and by substituting n is equal to 1 by 2 we get the value of this function transformation. So, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो आपको मालूम है कि फूरियर साइन एंड कोसाइन दोनों निकालना है भाई यहां पर। तो सिंस इसका सोल्यूशन देखें आप, सोल्यूशन सिंस Fourier sine transform Fourier sine transform of any function fx is fx this is the f of s of s this represent for s sine this is under root 2 upon pi 0 to infinity ft sine of st dt this is the formula of Fourier sine transform इस फार्मूले से आप वेल नोन अवेयर। सो अब आप ध्यान दें कि यदि हम x टू पावर n माइनस वन इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या दिक्कत आएगा कि x टू पावर n माइनस वन इंटू साइन ऑफ एस टी यानी ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है इन विच वन टर्म इज टी टू पावर एन माइनस वन एंड द सेकेंड टर्म इज साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो जब इस तरीके की चीजें आपके पास आती हैं तो आप कैसे इनकी चीजों को सॉल्व करेंगे? तो इसको जानने के लिए हाँ, तो मैं जहां पर ये चीज आपको बता रहा था तो यहां अब यहां प्रॉब्लम क्या होगी यदि x टू पावर n यहां रख देते हैं आप और साइन है तो साइन के बारे में आपको पता है कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, वो साइन का कॉस का साइन कॉस का साइन ऐसे वो डिफ्रेंसिएशन करिए या इंटीग्रेशन करिए वो आपके बदलता रहेगा। बट x टू पावर n यही एक ऐसा फंक्शन है जो टर्मिनेट हो सकता है लेकिन x टू पावर n माइनस वन अब यह n की वैल्यू कितनी है ये तो आपको पता नहीं है तो ये तो बहुत लंबा होता चला जाएगा। अब इसको करने का तरीका थोड़ा सा यहां हम ट्रैक चेंज करेंगे
और उस ट्रैक चेंज करके इसके सॉल्यूशन को आप टेन कर लेंगे। अब वो क्या है तो समझिए इस चीज को। दिस बी इक्वेशन नंबर वन। सो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज फूरियर कोसाइन ऑफ एस दिस बी अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ टी कॉस ऑफ एस टी डी टी। ये होता है। सो यदि हम फंक्शन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो एफ ऑफ एस ऑफ एफ एक्स की जगह हो जाएगा एक्स टू पावर एन माइनस वन दिस बी इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी टी टू पावर एन माइनस वन साइन ऑफ एस टी डी टी। दिस बी इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज द एफ एस साइन ट्रांसफर एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफर एक्स टू पावर एन माइनस वन टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी टी टू पावर एन माइनस वन कॉस ऑफ एस टी डी टी। दिस बी इक्वेशन नंबर टू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव एफ सी एस प्लस आई एफ एफ एस एस। इट मीन्स कि जो आपका साइन ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है उसमें आई का प्रोडक्ट किया आपने और इक्वेशन टू और आई के प्रोडक्ट वाला इक्वेशन वन दोनों को समअप कर दिया। जब आप समअप करेंगे तो अंडर रूट टू अपॉन पाई इज द कॉमन कॉमन हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी टू पावर एन माइनस वन बोथ आर द कॉमन टर्म कॉस ऑफ एस टी प्लस आई साइन ऑफ एस टी dt. So this can be written as 2 upon pi 0 to infinity t to power n minus 1 e to power I s t dt. ये आपका यहां पर एक modified equation मिला। That modified equation ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का भी और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म दोनों ही चीजें इसी वाले फंक्शन में इंक्लूडेड है। सो जब ये चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं तो अब इनको हम कैसे ब्रेकआउट करेंगे भाई। तो ब्रेकआउट करने के लिए अब हम इसमें आपको याद होगा हाँ तो हम ये बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपने बीटा गामा फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि यदि इसका पावर निगेटिव है एंड समथिंग का पावर एन माइनस वन है तो बीटा गामा फंक्शन वाले टर्म में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम आपकी ये है इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है ये नो प्रॉब्लम। सो अब इसको हमको करना क्या है कि इसका पावर यदि हम निगेटिव कर लें ई के पावर का निगेटिव देन वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो लेट आई एस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू देन आई एस डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी
So when we substitute the limit t equal to 0, u equal to 0, and when t equal to infinity, the integration is infinity. So this be equal under root 2 upon pi 0 to infinity t to power n minus 1. So minus of u upon is to power n minus 1 into e to power minus of u into minus of du upon is. So the result will be under root 2 upon pi and I, यहां देखिए I का पावर n माइनस 1 है, I का पावर n माइनस 1 है, एक ये s इसके साथ जुड़ जाएगा I, तो I टू पावर n हो जाएगा और s टू पावर n भी हो जाएगा, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, I टू पावर n, s टू पावर n, एंड माइनस 1 टू पावर n माइनस 1 और वो माइनस है ही, तो माइनस 1 टू पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी u टू पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस u du. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस टर्म. सो ये कितना होगा भाई, तो ये आपको मालूम है बीटा गामा फंक्शन के बेसिस पर, दिस बी द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ n, गामा ऑफ n. सो इट विल बी अंडर रूट 2 अपॉन पाई माइनस 1 टू पावर n i टू पावर n s टू पावर n 0 टू इंफिनिटी, दिस बी द गामा ऑफ n, गामा ऑफ सिंस 0 टू इंफिनिटी u टू पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस ऑफ u du, दिस बी गामा ऑफ n. तो जब आपका ये हो गया देन अब आप उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, तो n माइनस 1, n माइनस 1, ऑल राइट. ठीक है, एंड ओके इट विल बी फाइन. सो दिस बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई गामा ऑफ n माइनस वन को लिखा जा सकता है आई स्क्वायर टू पावर n अपॉन आई टू पावर n एस टू पावर n. आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन. सो इट विल बी 2 अपॉन पाई गामा ऑफ n, यहां से एक i कैंसिल हो जाएगा, तो i टू पावर n अपॉन s टू पावर n, s टू पावर n. अब इस i को आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, इस i को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन पाई गामा ऑफ n, i को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2 पावर n s टू पावर n,
cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड sin pi by 2 की वैल्यू होती है 1 तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट विल बी i एंड i टू पावर n बाय डी माइवर्स थ्योरम इट विल बी pi gamma of n cos of n pi by 2 plus i sin n pi by 2 होल अपॉन एस टू पावर एन. तो ये आपका रिजल्ट हो गया भाई. इसके आगे और ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो दिस भी इक्वेशन नंबर 3. एंड जो ये इक्वेशन नंबर 3 है ये इक्विवेलेंट किसके है एफ सी एस प्लस आई ऑफ एस एस. यानी जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफार्म एंड फूरियर साइन ट्रांसफार्म का जो ये कॉम्बिनेशन हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया था उसकी वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया एंड दैट इज दिस रिजल्ट. दैट इज दिस रिजल्ट. नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन 3. नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 का रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर कर लिया. देन वी हैव जब रियल पार्ट को आपने कंपेयर किया तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मिलेगा आपका एंड दैट विल बी अंडर रूट 2 अपॉन पाई गामा ऑफ एन अपॉन एस टू पावर एन कॉस ऑफ एन पाई बाय 2. And when we comparing real and imaginary part of equation 3, this and f of s under root 2 upon pi gamma of n h to power n sin of n pi by ये जो आपको मिला this is the Fourier cosine transform of x to power n minus 1 and this is the Fourier sine transform of x to power n minus 1. This be equation number 4 and this be equation number 5. ये आपको यहां मिल गया. तो आपने x टू पावर n माइनस 1 का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकाल लिया और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी निकाल लिया. अब आपको करना क्या है कि यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 एंड 5 We have. तो जब इक्वेशन 4 में आप रखिएगा तो एफ सी ऑफ एक्स टू पावर माइनस 1/2 व्हेन वी 1/2 एन इज इक्वल टू 1/2 जब आप इक्वेशन 4 और 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 दिस बी इक्वल टू एफ सी ऑफ 1 upon under root x and this be equal to under root 2 upon pi gamma of 1/2 upon s to power 1/2 cos of n pi by 2 that is pi by 4. So the result is 2 upon pi gamma of 1/2. गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है गामा ऑफ 1/2 इज अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट एस इनटू कॉस ऑफ पाई बाई 4. कॉस ऑफ पाई बाई 4 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो दिस बी कैंसिल दिस मच दिस मीन्स कैंसिल दिस मच and this be equal to 1 upon under root s.
सिमिलरली साइन ट्रांसफार्म ऑफ एक्स पावर 1/2 जब आप इक्वेशन 5 में रखेंगे तो यस 1/√s दिस बी √2/π गामा ऑफ 1/2 h^2 साइन ऑफ π/4 एंड द रिजल्ट विल बी 2/π √π/√s 1/√2 this be cancel out this be 1/√s this is our required solution and 1/√x ki jo Fourier cosine transform hai wo bhi 1/√s hoga aur uska sine transform bhi yahi hoga to is tarike se ye question aapka solve ho gaya to ye thoda sa different type ka questions tha जब आपको डायरेक्ट रास्ता ना मिले उसको करने का इवैल्यूएट करने का देन हम उस रास्ते को थोड़ा सा मूव करके हम इस रास्ते से जाते हैं आपको उसको दोनों को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया एंड देन वी कैन सॉल्व इट इजीली नाउ लेट अस कंसीडर मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफार्म सो समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन अब हम इस पर आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमारा नया क्वेश्चन है find the function whose sine transform is e^-as(s). यानी इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ऑब्टेन द फंक्शन अब यहां ये क्वेश्चन जो है फंक्शन को ऑब्टेन करना है ना कि उसका ट्रांसफार्म फाइंड द फंक्शन हुज साइन ट्रांसफार्म इज दिस यानी यू हैव टू गिवन एफ ऑफ एस ऑफ एस इसकी वैल्यू आपको गिवन है दिस तो आपको फंक्शन निकालना है सो इनवर्स Fourier sine transform is fx is equal to √2/π 0 to infinity f of s sine of sx dS this be √2/π 0 to infinity minus of as/s sine of sx dS this is the fx this be equation number 1 now let this fx is I हाँ अपनी आसानी के लिए इसको I मान लेते हैं लेट कर लिया कि इट विल बी I दिस विल बी लेट मैंने लेट कर लिया सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव di/dx this be equal to 2/π 0 to infinity e^-as/s
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एस एक्स इनटू एस डीएस, सो दिस एस विल बी कैंसिल आउट। अब आप कभी कभी ये सोच सकते हैं कि आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब किया जाता है वही फंक्शन मिलता है, बट यहां ध्यान दें कि हमने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है एंड दिस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू s, सो यह x इस s से इंडिपेंडेंट, तो जहां x है वहां डिफरेंशिएट होगा, बाकी जो s के साथ ऑपरेटेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो दिस बी इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस एक्स कॉस ऑफ एस एक्स ds. नाउ इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको वेल नोन फार्मूला यहां मिल गया है e टू पावर ax cos of bx, तो उसी फार्मूले से इसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड दैट इज दैट विल बी di upon ds, this be equal to 2 upon pi e to power minus of as upon a square plus x square minus of a cos of sx plus of s sine of sx limit of the integration 0 to infinity. When we substitute the limit, it will be under root 2 upon pi. When we substitute infinity, it will be 0 minus, when we substitute 0 to 1 upon a square plus x square into a minus a. So this be equal to 2 upon pi a upon a square plus x square. So di upon dx is this. This be equation number 2. अब यहां से हमको देखो x के टर्म में फंक्शन मिल गया बट वो डेरिवेटिव के फॉर्म का है di upon dx. यदि हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमको x का फंक्शन मिल जाएगा एंड दैट इज द i, वही हमारा i होगा एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ x और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, सो इसके राइट हैंड साइड में हो जाएगा आई इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो दैट विल बी टेन इनवर्स tan inverse x by a plus a constant of integration c, a constant of integration c. तो ये आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज आता है, तो इस इंटीग्रेशन के जब करेंगे तो हमको एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा. सोल्यूशन तो हम कर चुके हैं बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इस सोल्यूशन को हम तब तक कंप्लीट नहीं मान सकते हैं जब तक इस कांस्टेंट की वैल्यू हम ऑब्टेन ना करें. तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमको करना क्या होगा, तो बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम
इनिशियल इनिशियल वैल्यू थ्योरम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन वी हैव when we substitute x equal to 1 in equation 1 then sin 0 and the value of I is 0 thus put x equal to 0 and I equal to 0 in equation 3 jab equation 3 mein hum ye substitute kar denge to aapka ho jayega 0 is equal to 2 upon pi tan inverse 0 plus c and tan inverse 0 is 0. This implies that c equal to 0. So substituting c equal to 0 in equation number 3, c equal to 0 in equation number 3, I is the required fx and that be under root 2 upon pi and that is tan inverse x upon a and this is the required solution. ये हमारा required solution हो जाएगा. इस तरीके से ये question हमारा solve हो गया. तो be remember कि जब भी आपके question में आपको division है तो जितनी बार जितने डिग्री में वो डिवीजन होगा उतने ही रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव का ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा एंड देन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन. यानी यदि आपके पास वो एस स्क्वायर हो गया तो आपको इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा. देन जिस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा एंड देन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो प्रोसेस यही है क्वेश्चन के सोल्यूशन का, मेथड यही है. डिफरेंट क्वेश्चन पर उसके इंप्लीमेंटेशन बढ़ते चले जाएंगे. तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीजें बताएंगे कि इसके आगे के क्वेश्चंस, आगे के डिफरेंट फार्मूले कैसे सॉल्व किए जाएंगे. ओके, थैंक यू.